मैम, जैसा कि आपको पता है कि 31 को हम मोहम्मद रफ़ी जी के लिए ट्रिब्यूट रख रहे हैं, जी और उसमें 31 सिंगर्स का लाइक म्यूज़िक कंपोजिशन होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत ही बिफिटिंग ट्रिब्यूट है, क्योंकि रफ़ी साहब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट दैट द इंडस्ट्री हैज़ प्रोड्यूस, और मतलब ऐसे कलाकार रहे हैं रफ़ी साहब, और ईश्वर की बहुत ही कृपा है कि उनके साथ कई बार मुझे काम करने का मौका मिला है। तो वेरी सीनियर सिंगर, और ऐसी आवाज़ थी उनकी कि जैसे मतलब इतनी पाकीज़ आवाज़ थी कि ऐसे लगता था कि भगवान की जो अपनी आवाज़ है, और इनवेरिएबल मूड्स उन्होंने गाए, और जो भी गाना गाते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो हीरो गा रहा है, चाहे फिर वो कोई एक कॉमेडी गीत ही क्यों ना हो, या तो फिर शमी कपूर जी का एक बहुत ही रोमांटिक गाना क्यों ना हो। तो ऐसे कलाकार के लिए अगर इतने 31 सिंगर्स इंडस्ट्री के मिल करके एक गीत में अगर उन्हें ये ट्रिब्यूट देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और आपने उनके साथ काम किया है काफ़ी म्यूज़िक में, अच्छा, एंड आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट्स एंड स्पेशल कोई खास टाइम? हाँ, मैंने काफ़ी सारे गाने उनके साथ गाए, जिनमें दो दो तीन गाने जो जैसे पायलिया चमकी के नाम और माथे की बिंदिया बोली जैसे गाने, नटवरलाल, शिरडी के साई बाबा, तो उनके साथ मैंने गाए जो बहुत पॉपुलर हुए। और रवि साहब के साथ जब सबसे पहली बार मैंने उनके साथ गाया, तो बहुत नर्वस थी मैं कि इतने बड़े और इतने सीनियर कलाकार हैं, क्योंकि एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही नरम दिल ऐसे इंसान थे वो, वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो इमिजिएटली उन्होंने एकदम कंफर्टेबल किया मुझे कि यू नो जस्ट रिलैक्स, और इतने धीरे से बोलते थे, और जब उनकी आवाज़ आप सुनते थे माइक्रोफोन से तो ऐसे लगता था कि पता नहीं मतलब कितनी कितनी ज़ोरदार आवाज़ है, लेकिन पर्सनली अगर उन्हें सुने तो वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो ही वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग।